गुड मॉर्निंग ऑल, हमारा चैनल देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। गुड मॉर्निंग ऑल, लास्ट लेक्चर में हमने कार्डियक आउटपुट के बारे में बात की थी कि कार्डियक आउटपुट का मतलब है एक मिनट में हार्ट कितना ब्लड बाहर पंप करता है। कार्डियक आउटपुट हमने लिखा था स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम हमने लिखा था कि ml पर बीट्स, मतलब एक बीट में या एक जो बीट होता है हार्ट का, एक हार्ट बीट में एक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कितना ब्लड पंप किया जाता है वो स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। पर स्ट्रोक कितना बाहर निकाला वो स्ट्रोक वॉल्यूम, और हार्ट रेट मतलब एक मिनट में कितनी बार बीट करता है। तो लगभग 70-80 ml ब्लड को पंप किया जाता है एक बार में, और अप्रॉक्सीमेटली 72 टाइम्स बीट करता है हार्ट एक मिनट में, क्योंकि लगभग 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। तो 60 मिनट जो है उसमें 0.8 सेकंड को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो अप्रॉक्सीमेटली 72 के आसपास वैल्यू आती है। तो हमने कार्डियक आउटपुट निकाली थी स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट करके, और वो अप्रॉक्सीमेटली 5 या 6 लीटर के आसपास की वैल्यू आती है। डिपेंड करता है बॉडी का वेट कितना है, ब्लड का वॉल्यूम कितना है, उस पर डिपेंड करता है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज अपन मान के चलते हैं कि 72 टाइम्स पर मिनट बीट होती है, और अप्रॉक्सीमेटली 80 ml के आसपास वॉल्यूम जो है वो स्ट्रोक वॉल्यूम का रहता है। अब इससे रिलेटेड कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है डाटा बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन, सांस अंदर लेना या बाहर छोड़ना, उस दौरान जो ये कैविटी है पूरी, ये फैलती है, सिकुड़ती है, तो वो हार्ट के ऊपर एरोटिक जो ब्लड वेसल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डालती है, तो थोड़ा बहुत जो है वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलता है। तो उसके आधार पर हम कुछ आउटपुट जो है वो यहाँ पर मैंने लिखी है। डायरेक्ट पूरा अपन एनालिसिस पर फोकस नहीं कर रहे, डायरेक्ट मैंने लिखी है कि उसका रिजल्ट क्या हो रहा है। तो इंस्पायरेशन के दौरान जब हम सांस अंदर लेते हैं, उस दौरान कार्डियक आउटपुट थोड़ा सा कम हो जाती है, और कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाती है बिकॉज ऑफ जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो थोड़ा सा डिक्रीज होता है, और स्ट्रोक वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए हार्ट रेट को थोड़ा सा इंक्रीज होना पड़ेगा। तो इसलिए स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होती है, और इस कारण से हार्ट रेट जो है थोड़ी सी इंक्रीज होगी। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन के दौरान, और एक्सपायरेशन जब सांस बाहर छोड़ते हैं उस टाइम पर उल्टा होगा, तो मतलब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा और हार्ट रेट डिक्रीज होगी। फिर हम बात करते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब जिस टाइम पर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है उस टाइम पर ब्लड को पूरे जोर से पंप किया जाता है बाहर की तरफ, तो वो प्रेशर ज़्यादा होता है। वो प्रेशर होता है 120 mm, 120 mm ऑफ HG। डायस्टोलिक प्रेशर, जिस टाइम पर वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन होता है उस टाइम पर एरोटिक वॉल्व या पल्मोनरी वॉल्व क्लोज हो जाते हैं ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए, हार्ट में ब्लड वापस ना जाए उसको रोकने के लिए। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि प्रेशर जो है वो लग नहीं रहा उन ब्लड पर, लेकिन वो 120 mm ऑफ HG का जो प्रेशर था वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट था। अब जब तक वेंट्रिकल वापस से कॉन्ट्रैक्शन फेज में नहीं आएगा, यानी कि जब तक वेंट्रिकल वापस से सिस्टॉल वाली फेज में नहीं आएगा, तब तक धीरे धीरे वो जो प्रेशर 120 का बना था वो धीरे धीरे थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है और 80 mm ऑफ HG पर आ जाता है, और इसको बोला जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। ये सिस्टोलिक या डायस्टोलिक प्रेशर जो है ये मेनली हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके आधार पर लिए जाते हैं, क्योंकि बॉडी में हमारे जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा पंप किया जाता है। तो
सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm ऑफ एच जी, डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm ऑफ एच जी। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम जो प्रेशर है एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए 80 एंड 120 mm ऑफ एच जी। फिर हम बात करते हैं, एक प्रेशर है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर क्या है? पल्स प्रेशर का सिंपल सा फॉर्मूला है सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर में से डायस्टोलिक प्रेशर को अगर मैं हटा दूंगा तो जो प्रेशर बचेगा वो होगा पल्स प्रेशर। तो कितना होगा यहाँ पर, अगर मैं हेल्दी ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करूँ तो 120 माइनस 80 इक्वल्स टू 40 mm ऑफ एच जी। फिर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मीन एट्रियल प्रेशर पर, MAP पर। मीन एट्रियल प्रेशर क्या है? तो मीन एट्रियल प्रेशर है ये जो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mm ऑफ एच जी। 80 mm ऑफ एच जी क्या है? हमारा डायस्टोलिक प्रेशर। तो डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 पल्स प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर में ऐड करना है 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80 डायस्टोलिक प्रेशर था, पल्स प्रेशर था 40। तो 40/3 कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 13 के आसपास वैल्यू आती है। तो 80 प्लस 13 यानी कि 93 अप्रॉक्स 93 mm ऑफ एच जी। ये क्या होगा, मीन एट्रियल प्रेशर। अब हम बात करते हैं हमारे हार्ट के बारे में वापस से। कल हमने कुछ बात की थी कि जो ह्यूमन हार्ट है वो कैसा है, मायोजेनिक है या न्यूरोजेनिक है। मायोजेनिक है। मायोजेनिक होने का मतलब इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन की वेव है, जो रिदम है, हार्ट इट्सेल्फ जनरेट इट्स कॉन्ट्रैक्शन वेव। और मायोजेनिक हार्ट जो है वो इट्सेल्फ जनरेट करता है कॉन्ट्रैक्शन वेव्स के लिए। और जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर मेनली पाया जाता है न्यूरोजेनिक हार्ट, यानी कि नर्वस सिस्टम के द्वारा का जो है कॉन्ट्रैक्शन वेव जनरेट करवाई जाती है, वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाई जाती है। तो हम ह्यूमन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट है मायोजेनिक है, मसल्स के द्वारा कॉन्ट्रैक्शन वेव जनरेट की जाती है, ब्रेन जो है उसको कम या ज़्यादा करवा सकता है, उसको कंट्रोल करता है ब्रेन बेसिकली। तो ब्रेन जो है उसको बेसिकली कम या ज़्यादा करवाता है। अब कॉन्ट्रैक्शन वेव जनरेट कौन करता है, ये हमने कल डायग्राम बनाकर देखा भी था कि SA नोड या जिसे पेस मेकर कहा जाता है, हमने कल लिखा था SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिश एंड पुर्किंजे फाइबर, दीज ऑल आर मॉडिफाइड मसल्स, दीज कैन जनरेट एक्शन पोटेंशियल बट इट लैक्स कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इनमें नहीं होता है, ये बेसिकली एक घुंडी की तरह, एक नोब की तरह, एक बटन की तरह काम करती हैं सिर्फ। ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा सकती हैं लेकिन ये खुद कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। तो ये जो SA नोड है ये सिग्नल इस पर आएंगे, ये एक्टिवेट होगा, ये कुछ आयन चैनल्स इसमें ओपन हो जाते हैं, और वो आयन चैनल जो इसमें ओपन होते हैं वो क्या करते हैं, इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाते हैं, मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करवाया जाता है। ये हमने जब चैनल्स पढ़े थे तब हमने ये बात की थी कि रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है, एक्शन पोटेंशियल क्या है, जब सोडियम चैनल खुलेगा तो सोडियम अंदर आएगा या बाहर जाएगा, जब पोटेशियम चैनल खुलेगा तो पोटेशियम अंदर आएगा या बाहर जाएगा, कैल्शियम चैनल खुलेगा तो कैल्शियम अंदर आएगा या बाहर जाएगा। ये बातें हमने ऑलरेडी जब हमने एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था तो वहाँ पर हमने ये बातें कर ली थी ऑलरेडी। अब हम अपन यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन वेव जनरेट होती है वो पेस मेकर करवाता है। पेस मेकर से जो कॉन्ट्रैक्शन वेव जनरेट होती है वो फैल जाती है दोनों एट्रियम के अंदर, दोनों एट्रियम से वो कॉन्ट्रैक्शन वेव पहुंचती है AV नोड तक, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड तक। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है बंडल ऑफ हिस से होते हुए पुर्किंजे फाइबर्स में, और पुर्किंजे फाइबर्स से वो एक्टिवेट करवा देते हैं वेंट्रिकल की मसल्स को, और वेंट्रिकल जो है वो नीचे की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है और ऊपर की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन वेव आती है वेंट्रिकल के अंदर। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है शुरुआत कैसे हो रही है SA नोड के अंदर। तो SA नोड या साइनो एट्रियल नोड या जिसे हम पेस मेकर भी कहते हैं, उसकी
जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसके बारे में एक ग्राफ बनाकर हम बात कर लेते हैं कि उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो किस तरह से शो करता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफ शो किया है, ऑटो रिदमिसिटी इन एस ए नोड, साइनोएट्रियल नोड जो है उसमें ऑटो रिदमिसिटी। यहाँ पर वाई एक्सिस जो है वहाँ पर मैंने मेम्ब्रेन पोटेंशियल को लिखा है, ऐसे नोड जो सेल्स हैं उनकी जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स हैं, तो यहाँ पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल लिखा है नीचे की तरफ -60 के आसपास जो है, -50 या -60 के आसपास रेस्टिंग पोटेंशियल होती हैं सेल्स की, -40 थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल है। तो ये लाइन जो मैंने खींची है यहाँ पर, ये लाइन शो कर रही है, डैश 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 में जो लाइन है ये थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल को शो करती है। थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल वोल्टेज गेटेड चैनल्स को ओपन करवाता है और वो एक्शन पोटेंशियल पे पहुंच जाती है। एक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव वैल्यू के आसपास होती है, +20 +30 +40 +60 इस तरह से। तो रेस्टिंग पोटेंशियल में जो सेल है उससे ज़्यादा अगर नेगेटिव हो जाती है तो उसको मैं कहता हूँ हाइपर पोलराइज्ड सेल। रेस्टिंग पोटेंशियल जो है उसको मैं कहता हूँ पोलराइज्ड कंडीशन। अब जब सेल में पॉजिटिव चार्ज आयन अंदर आना शुरू होते हैं तो ये इनसाइड नेगेटिव चार्ज कम होना शुरू होता है, और जैसे जैसे इनसाइड नेगेटिव चार्ज कम होना शुरू होगा वैसे वैसे इनसाइड पॉजिटिव चार्ज बढ़ना शुरू होगा। ये ग्राफ ऊपर जाएगा और ये ग्राफ का ऊपर जाना यानी कि अंदर की तरफ मेम्ब्रेन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ना कहलाता है डीपोलराइजेशन। इसका मतलब एक्शन पोटेंशियल कब आती है? डीपोलराइज्ड स्टेट में। रेस्टिंग पोटेंशियल पोलराइज्ड स्टेट होती है। रेस्टिंग पोटेंशियल से भी ज़्यादा नेगेटिव अगर हो जाए सेल तो उसको हाइपर पोलराइज्ड स्टेट कहा जाता है। इनहिबिटरी सिग्नल जो होते हैं वो हाइपर पोलराइज्ड स्टेट में लेकर आते हैं सेल को। अब यहाँ पर मैं इस ग्राफ के बारे में बात करना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ हमने शो किया है ये बी ब्लैक कलर वाला, जहाँ पर ये सी लिखा हुआ है, ये सी जो है ये बेसिकली कंट्रोल ग्राफ है, मतलब ये नॉर्मल जो है पेसमेकर की एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ है। तो यहाँ पर कुछ पार्ट हैं जो मैं शो कर रहा हूँ इस ग्राफ के अंदर, कि इस ग्राफ में एक पार्ट यहाँ पर है जहाँ पर कि रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करके रखा जा रहा है, दूसरा पार्ट जहाँ पर कि एक्शन पोटेंशियल को लाया जा रहा है, दूसरे पार्ट में थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल को लाया जा रहा था, तीसरा पार्ट जहाँ पर ये एक साथ ही ऊपर आ गया, ये तीसरा पार्ट जो है ये शो कर रहा है एक्शन पोटेंशियल वाले पार्ट को। तो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रही है, ये वाला पार्ट जो है ये थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल पर लेके आ रहा है। इससे पहले सेल या तो रेस्टिंग पोटेंशियल में है या फिर हाइपर पोलराइज्ड स्टेट में है, और ये वापस से क्या हो रहा है, सेल का रीपोलराइजेशन हो रहा है, वापस अपनी रेस्टिंग स्टेट की तरफ आ रही है, ये जो फोर्थ नंबर वाला पार्ट है। तो ये चार भाग हैं इस ग्राफ के, ये चार भाग इन चार तरह के चैनल से रिलेटेड हैं। ये जो नॉर्मल वाला ग्राफ है इसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करके रखा हुआ है, तो मेंटेन करके बेसिकली कुछ सोडियम और पोटेशियम चैनल्स जो हैं वो मेंटेन करके रख रहे हैं इसको। इन चैनल्स को कहा जाता है HCN चैनल्स। ये हाइपर पोलराइज्ड एक्टिवेटेड या साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड रिलेटेड चैनल्स होते हैं, हाइपर पोलराइज्ड एक्टिवेटेड और साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड रिलेटेड चैनल्स, क्योंकि साइक्लिक एएमपी जो है उनके बाइंड होने पर ये चैनल्स ओपन हो जाते हैं, या हाइपर पोलराइजेशन के टाइम पर जो है ये चैनल ओपन हो जाएंगे और रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करवाने का काम करेंगे। तो HCN चैनल्स जो हैं, जो कि मेनली सोडियम या पोटेशियम चैनल्स हैं, ये बेसिकली रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करवा रहे हैं। फिर सेकंड नंबर पे चैनल लिखा हमने टी टाइप कैल्शियम चैनल्स, टी टाइप कैल्शियम चैनल्स, दीज आर रिलेटेड टू जनरेट थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल। ये सेकंड नंबर वाले जो हैं दीज आर रिलेटेड टू जनरेट थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल। थर्ड नंबर पे हमने लिखा है एन टाइप कैल्शियम आयन
चैनल्स, ये एन टाइप कैल्शियम आयन चैनल्स जो हैं ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं। ये एन टाइप कैल्शियम आयन चैनल्स जो हैं ये वोल्टेज गेटेड हैं, और ये चैनल्स क्या करते हैं, दीज चैनल्स जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन एस ए नोड। फोर्थ नंबर पर है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। जब वोल्टेज हायर डीपोलराइजेशन पर पहुंच जाती है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट हो जाती है, तो वापस से सेल को रेस्टिंग पोटेंशियल पर लाने के लिए एक साथ बहुत सारे वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल ओपन होते हैं। और ये पोटेशियम आयन चैनल्स क्या करते हैं, स्पीड से पोटेशियम आयन जो है उन पोटेशियम आयन को अंदर से बाहर निकालते हैं, जिससे कि इनसाइड नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। और इनसाइड नेगेटिव क्योंकि अचानक से बहुत सारे पोटेशियम आयन बाहर निकलते हैं, तो इनसाइड नेगेटिव जो है वो रेस्टिंग पोटेंशियल से भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो मतलब ये जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल हैं ये वापस से सेल को पोलराइज करवा रहे हैं या हाइपर पोलराइज्ड स्टेट में ले आते हैं, और फिर वापस HCN चैनल उसको रेस्टिंग पोटेंशियल में ले आएंगे। तो HCN चैनल रेस्टिंग पोटेंशियल में मेंटेन करके रखते हैं, सोडियम पोटेशियम चैनल्स हैं। टी टाइप कैल्शियम आयन चैनल जो हैं ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जनरेट करवाते हैं। एन टाइप कैल्शियम आयन चैनल जो हैं ये वोल्टेज गेटेड है, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाते हैं। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल जो हैं ये रीपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन करवाते हैं, जिससे कि वापस से इनसाइड हायर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये चार तरह के चैनल यहाँ पर काम आते हैं। अब मैं उस ग्राफ को एक्सप्लेन करता हूँ वापस, कि यहाँ पर ये रेस्टिंग पोटेंशियल वाली लाइन हमने शो की है। अब जैसे जैसे यहाँ पर ये रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन किया हुआ है, अब जैसे ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल आया, तो वो सिग्नल क्या करता है, कैल्शियम आयन चैनल्स को ओपन करवाएगा, वो थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल ले आते हैं। ये थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल जैसे ही आती है -40, इस थ्रेशहोल्ड वोल्टेज को सेंस करके वोल्टेज गेटेड जो ये कैल्शियम आयन चैनल है ये एक्टिव हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और वोल्टेज गेटेड चैनल्स का एक रूल है बहुत सीधा साधा, कि वोल्टेज गेटेड चैनल्स हमेशा एक साथ बहुत सारे एक्टिव होते हैं। जिस रेंज तक वोल्टेज में चेंज हुआ है, उस रेंज तक जितने भी वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं वो एक साथ खुल जाएंगे सारे। और वोल्टेज गेटेड अगर एक साथ खुलेंगे तो एक साथ कैल्शियम इनफ्लक्स होगा बहुत सारा, और एक साथ कैल्शियम इनफ्लक्स बहुत सारा होगा तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल सीधा ही हायर पॉजिटिव पे पहुंच जाएगा और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। और ये एक्शन पोटेंशियल के कारण जो कैल्शियम आयन बहुत सारे अंदर इकट्ठे हो गए, ये गैप जंक्शन के द्वारा एट्रियम वाली सेल्स के अंदर फैलना शुरू होंगे, और वो एट्रियम वाली जो सेल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट करवाएंगे। कल हमने बात की थी ना, गैप जंक्शन के द्वारा कनेक्टेड होते हैं एट्रियम की जो मसल्स हैं वो आपस में। तो ये वापस से ऐसे नोड जो है वो वापस से न्यूट्रलाइज कैसे होगा, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल के ओपन होने से। तो ये नॉर्मल कंडीशन है जहाँ पर कि ये सी लिखा हुआ है। अब मैं बात करता हूँ कि जो हमारा ब्रेन है वो कैसे इसको कंट्रोल करता है। तो ब्रेन में जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है वो कंट्रोल करता है इसकी रिदमिसिटी को। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसमें दो पार्ट हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। तो जो पैरासिम्पैथेटिक है उसके द्वारा जो इफेक्ट हो रहा है वो तो यहाँ पर रेड कलर वाला ग्राफ है जो यहाँ पर पीछे की तरफ आ रहा है ये शो कर रहा है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक यानी कि वो परानुकंपी और अनुकंपी। तो पैरासिम्पैथेटिक और ये वाला जो ग्राफ है इधर, ये सिंपैथेटिक के द्वारा शो हो रहा है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये तो है सिंपैथेटिक वाले कंडीशन में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये सिक्रेट करवाता है नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन। और ये जो नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन है ये किस तरह से इफेक्ट डालेंगे उसके ऊपर भी अपन एक बार थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ, कि ये नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन जो है ये क्या करेंगे। तो यहाँ पर इनके लिए जो चैनल प्रेजेंट होते हैं, जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो GPCR टाइप रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और अल्फा स्टिमुलेटरी टाइप रिसेप्टर हैं।
ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो यहाँ पर इन जीपीसीआर पे बाइंड होगा, ये जीएस जो है ये एक्टिव हो जाती है और ये एक्टिव करवाती है एडिनाइलेट साइक्लेज को, और ये एडिनाइलेट साइक्लेज जो है ये साइक्लिक एएमपी बनाता है, और ये साइक्लिक एएमपी जो है ये साइक्लिक एएमपी ओपन करवा देता है एन टी टाइप वाले कैल्शियम आयन जो चैनल्स हैं या सोडियम आयन चैनल जो हैं उनको, एचसीएन जो चैनल्स हैं उनको ओपन करवा देता है। और इन एचसीएन चैनल्स के ओपन होने से क्या होगा, वोल्टेज में कुछ चेंजेस होने शुरू होंगे और वो टी टाइप वाले कैल्शियम आयन चैनल्स को ओपन करवा देंगे। अब ये एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन क्योंकि साइक्लिक एएमपी की अमाउंट को बढ़ा देते हैं, और साइक्लिक एएमपी की अमाउंट के बढ़ने पर जो अगर साइक्लिक एएमपी जल्दी बढ़ जाएगा तो कॉन्ट्रेक्शन जल्दी शुरू हो जाएगा, और अगर कोई इनहिबिट करने वाला हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ पैरासिम्पेथेटिक जो है उनके द्वारा अगर बात करूँ, ये जो रिसेप्टर हैं ये बीटा एड्रिनर्जिक टाइप जीपीसीआर रिसेप्टर्स हैं जिनको कि बीटा ब्लॉकर ड्रग्स के द्वारा रोका जाता है या इनहिबिट भी किया जाता है। फिर हम बात करें दूसरी तरफ जो सिंपेथेटिक पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो सिक्रीट करता है एसिटाइल कॉलीन, और वो एसिटाइल कॉलीन जो है उसके लिए यहाँ पर मस्करेनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो मस्करेनिक जो रिसेप्टर्स हैं मस्क्यूरेनिक कॉलिनर्जिक रिसेप्टर, क्योंकि एसिटाइल कॉलिन के लिए जो भी रिसेप्टर्स होते हैं उनको मैं क्या बोलता हूँ, कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स। एड्रिनलिन के लिए जो है उनको मैं क्या बोलता हूँ, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। तो कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनहिबिटरी टाइप के होते हैं, तो वो इनहिबिटरी टाइप का जो है यहाँ पर बाइंड होगा एसिटाइल कॉलिन, और ये जो रिसेप्टर हैं ये रिसेप्टर मस्करेनिक कॉलिनर्जिक कॉलीन से बना है, कॉलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, और ये क्या करेगा, ये एडिनालेट साइक्लेज को रोकेगा। तो एडिनालेट साइक्लेज को रोकेगा तो ये जो चैनल हैं एचसीएन ये क्या होंगे, ये भी इनहिबिट होंगे, और इनके इनहिबिट होने से बेसिकली क्या होगा कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा कॉन्ट्रैक्शन होने में, और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो है उसको आने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसका मतलब ये जो पैरासिम्पेथेटिक है ये तो बेसिकली क्या कर रहा है, इनहिबिटरी टाइप इफेक्ट डाल रहा है, और सिंपेथेटिक वाला जो है वो एक पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है। तो अब इन ग्राफ में अपन देखते हैं कि क्या चेंज आता है। तो जो सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम है उसने एड्रिनलिन या नॉरएड्रिनलिन सिक्रीट किया जिससे कि ग्राफ में ये चेंज आया। ग्राफ जो यहाँ पर आकर शुरू होने वाला था एक्शन पोटेंशियल इस वाई सॉरी एक्स एक्सिस पर टाइम है भाई, जो यहाँ पर इस टाइम पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने वाली थी वो इससे पहले जनरेट हो गई और पहले ही वापस से न्यूट्रलाइज हो गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो कार्डियक साइकिल है उसका टाइम जो है वो सॉरी कार्डियक साइकिल का टाइम जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सिंपल सा हमें क्या याद करना है, सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, कार्डियक साइकिल को डिक्रीज करवाएगा, कार्डियक साइकिल को डिक्रीज करवाएगा। कार्डियक साइकिल डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, हार्ट रेट जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। भाई जो 0.8 सेकंड में हो रहा था तो 72 बार हार्ट बीट कर रहा था, अगर वही चीज 0.5 सेकंड में होने लग जाए तो हार्ट जो है वो 90 बार बीट कर लेगा, लगभग 90 या 100 के बीच में बीट कर लेगा 1 मिनट में, यानी कि हार्ट रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज। दूसरी तरफ तो ये चीज़ याद रखनी है, सिंपेथेटिक मतलब हार्ट रेट इंक्रीज, कार्डियक साइकिल टाइम लेंथ डिक्रीज, कार्डियक साइकिल में लगने वाली टाइम अगर कम होगा तो हार्ट रेट अपने आप बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। दूसरी तरफ मैं बात करता हूँ कि पैरा सिंपेथेटिक जो है उसने क्या किया, उसका ग्राफ आ रहा है यहाँ पर, नॉर्मल तो टाइम लगता था इतना, लेकिन पैरा सिंपेथेटिक है तो टाइम कितना लग रहा है, इतना,
मतलब कार्डियक साइकिल जो है उसकी टाइम लेंथ हो गई ज़्यादा, जो 0.8 सेकेंड था वो हो सकता है कि अब पूरा 1 सेकेंड हो जाए या 0.9 सेकेंड हो जाए, तो उस कंडीशन में टाइम लेंथ बढ़ गई। और कार्डियक साइकिल की टाइम लेंथ बढ़ने का मतलब क्या हुआ, पर मिनट हार्ट बीट जो है वो क्या हो जाएगी, कम, यानी कि हार्ट रेट डिक्रीज करवाएगा। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो उसका सिक्रीशन हार्ट रेट को डिक्रीज करवाता है। कैसे डिक्रीज करवाता है, कार्डियक साइकिल की टाइम को बढ़ा के। सेकेंड, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, कार्डियक साइकिल की लेंथ को कम करवा के। तो ये जो ग्राफ हैं इन पर एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। और ये चीज़ ध्यान रखना कि एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन के लिए जो है पेसमेकर वाली जो सेल्स हैं उनमें बीटा एड्रिनर्जिक टाइप रिसेप्टर्स हैं जो कि साइक्लिक एएमपी के लेवल को बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ जो एसिटाइल कॉलीन है जो कि पैरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, उसके लिए यहाँ पर रिसेप्टर जो हैं वो कौन से हैं, एसिटाइल कॉलीन रिसेप्टर हैं जो कि मस्क्यूरेनिक कॉलिनर्जिक रिसेप्टर टाइप हैं यहाँ पर, और वो साइक्लिक एएमपी को कम करवाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो डिफरेंट पार्ट है वेंट्रिकल से रिलेटेड अपन बात करना शुरू करते हैं। मेनली मैं अब बात करूंगा वेंट्रिकल जो है उससे रिलेटेड, तो वेंट्रिकल वाला जो पार्ट है उस पर अपन मेन फोकस करते हैं। ये जो ग्राफ यहाँ पर शो किया गया है, ये वाला ग्राफ वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल में लेफ्ट वाला, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम जो है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन, या मैं कह सकता हूँ सिस्टॉल और डायस्टॉल से रिलेटेड है। मेनली यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल के सिस्टॉल और डायस्टॉल को शो किया गया है। इसमें मेनली जो वेंट्रिकल है लेफ्ट वाला, उसके सिस्टॉल और डायस्टॉल को शो किया गया है। और उसको शो इसलिए किया गया है क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड सप्लाई होती है वो लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से की जाती है। तो लेफ्ट वाले वेंट्रिकल जो है उससे रिलेटेड कुछ पैरामीटर हैं जिनको यहाँ पर शो किया गया है। तो इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ऊपर वाले जो ग्राफ है, ये ऊपर की तरफ जो ग्राफ बने हुए हैं इनके बारे में बात करता हूँ। ये ऊपर वाले ग्राफ जो है ये प्रेशर को शो कर रहे हैं, जो ब्लड प्रेशर है उसको ये शो कर रहे हैं। यहाँ पर वेंट्रिकल का प्रेशर, एरोटिक प्रेशर, एट्रियल प्रेशर, उस प्रेशर को शो कर रहे हैं। यहाँ पर प्रेशर मैंने 0 से 120 mm ऑफ Hg तक शो किया है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये जो रेड वाला ग्राफ है, ये रेड वाला जो ग्राफ है यहाँ पर, इसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले, तो ये इस तरह से ऊपर जा रहा है। ये रेड वाला ग्राफ किसका है, ये रेड वाला ग्राफ है वेंट्रिकल के प्रेशर से रिलेटेड। अच्छा, वेंट्रिकल का प्रेशर जो है वो बढ़ेगा कब, जब वेंट्रिकल में क्या होगा, सिस्टॉल। और वेंट्रिकल सिस्टॉल की कल हमने बात पढ़ी थी, दो फेज होती हैं, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और सेकंड पार्ट था वेंट्रिकल इजेक्शन। आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल इजेकुलेशन, दो पार्ट थे उसके। आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वाले टाइम पर अगर मैं बात करता हूँ, तो उस टाइम पर चारों वॉल्व जो होते हैं, एवी वॉल्व और सेमी ल्यूनर वॉल्व, याद होगा एवी वॉल्व दो तरह के थे, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। सेमी ल्यूनर वॉल्व दो तरह के थे, एरोटिक एंड पल्मोनरी। तो हम यहाँ पर जो स्पेसिफिकली बात करेंगे वो हम बेसिकली एवी वॉल्व जो है जिसमें बाइकस्पिड है उसके बारे में बात करेंगे, और दूसरी तरफ जो है एरोटिक वॉल्व जो है, सेमी ल्यूनर वॉल्व जो थे, सेमी ल्यूनर वॉल्व में मैं मेनली एरोटिक वॉल्व के बारे में बात करूंगा जो एरोटा वाला था, क्योंकि हम लेफ्ट साइड वाले के बारे में बात कर रहे हैं, हार्ट में जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, अब अपन देखते हैं। ये रेड वाला ग्राफ जो है, इस रेड वाले ग्राफ में ये शो कर रहा है कि ये वाला जो पार्ट है वेंट्रिकल डायस्टॉल का है, जिसमें कि प्रेशर 0 के आसपास है, ज़्यादा प्रेशर नहीं है। अब यहाँ से शुरू हुआ है वेंट्रिकल सिस्टॉल, तो वेंट्रिकल सिस्टॉल शुरू होते ही प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ। अब ये वाला तो वो पार्ट है जिस दौरान सभी वॉल्व क्लोज हैं, जो
सेमी ल्यूनर वॉल्व थे वो तो यहाँ पर ऑलरेडी क्लोज थे ही पहले ही, क्योंकि डायस्टॉल चल रहा था। डायस्टॉल का मतलब वेंट्रिकल फिलिंग, और वेंट्रिकल फिलिंग जिस टाइम पर चलती है उस टाइम पर सेमी ल्यूनर वॉल्व बंद होते हैं, लेकिन एवी वॉल्व खुले हुए होते हैं। तो सेमी ल्यूनर वॉल्व तो पहले से ही क्लोज थे, एवी वॉल्व जो थे वो यहाँ तक ओपन थे। जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टॉल शुरू हुआ, एवी वॉल्व एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज हो जाते हैं और यहाँ पर एक साउंड आता है, लब साउंड। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर एक साउंड जो है वो सुनाई देता है, यहाँ पर एक साउंड सुनाई देता है। वॉल की क्लोजिंग से साउंड आता है और जो ओपनिंग है उसे साउंड बहुत कम आता है। वो हम डिटेल में, बहुत सारे साउंड होते हैं, हम उन सभी साउंड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ दो ही तरह के साउंड हैं जिनके बारे में बात करेंगे। तो एवी वॉल क्लोज हुआ, सेमी ल्यूनर वॉल पहले से ही क्लोज था। अब आइसो वॉल्यूमेट्रिक जो कॉन्ट्रेक्शन है ये वो वाला टाइम है। तो इस टाइम पर चारों वॉल क्लोज हो गए। अब फिर जब वेंट्रिकल इजेकुलेशन वाला टाइम शुरू होता है तो कौन सा वॉल ओपन होता है? एरोटिक वॉल्व ओपन होता है और पल्मोनरी वॉल्व ओपन होता है। तो हम सिर्फ एरोटिक वॉल्व के बारे में बात करते हैं। सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन हुए, सेमी ल्यूनर वॉल्व में अगर मैं लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर कौन सा वॉल्व ओपन होगा? एरोटिक वॉल्व ओपन होगा। एरोटिक वॉल्व ओपन जिस टाइम पर होता है, अब उसके बाद वेंट्रिकल प्रेशर जो है बढ़ना शुरू होता है। तो ये वेंट्रिकल प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, वेंट्रिकुलर इजेकुलेशन शुरू हो गया। फिर वो प्रेशर जो है मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है और मैक्सिमम लेवल तक पहुंचने के बाद वो धीरे धीरे वापस से कम होना शुरू होता है। और जैसे ही वो कम होना शुरू होता है तो यहाँ तक आते आते लगभग लगभग जो है एरोटिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व, जिनको कि सेमी ल्यूनर वॉल्व कहते हैं, वो वापस से क्लोज हो जाते हैं और ये धीरे धीरे अपनी रेस्टिंग पोटेंशियल की तरफ आ रहा है वापस। और यहाँ तक आते आते जो है ये वापस से अपनी वही इसका जो सिस्टॉल है वो यहाँ तक आते आते कंप्लीट हो, यहाँ तक जैसे ही सिस्टॉल कंप्लीट हो गया तो ये नीचे लिखा हुआ है सिस्टॉल, तो सिस्टॉल यहाँ पर शुरू हुआ और यहाँ पर सिस्टॉल कंप्लीट हो गया। सिस्टॉल कंप्लीट होने के बाद डायस्टॉल वाले पार्ट में ये वापस से जो है इसका जो प्रेशर है वो वापस ज़ीरो तक आएगा, तो इसका प्रेशर वापस ज़ीरो तक आ गया। तो ये वाला जो पार्ट है ये डायस्टॉल शुरू हो गया, यहाँ से डायस्टॉल शुरू हो गया और यहाँ तक जो है डायस्टॉल चल रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डायस्टॉल चल रहा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिस्टॉल चल रहा था। अब जैसे ही डायस्टॉल शुरू हुआ तो डायस्टॉल में भी हमने कल दो पार्ट में डिवाइड किया था। डायस्टॉल में हमने बात की थी सबसे पहले तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के दौरान क्या होता है कि जो एरोटिक वॉल्व हैं वो क्लोज हो गए यहाँ पर, और जो एवी वॉल्व थे वो तो ऑलरेडी क्लोज ही थे। इसका मतलब आइसोवॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन वाला जो रिलैक्सेशन वाला टाइम है उस दौरान यहाँ पर वापस से चारों जो वॉल्व हैं एवी वॉल्व एंड सेमी ल्यूनर वॉल्व वो सारे क्लोज हो गए। फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के बाद नेक्स्ट फेज कौन सा होता है डायस्टॉल का? वेंट्रिकल फिलिंग। तो नेक्स्ट पार्ट शुरू हुआ वेंट्रिकल फिलिंग। तो अब यहाँ से वेंट्रिकल फिलिंग शुरू होगी। वेंट्रिकल फिलिंग शुरू होते ही कौन सा वॉल्व ओपन होता है? एवी वॉल्व, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच वाला एवी वॉल्व, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो वो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हुए, तो ये ओपन हुए, फिलिंग होना शुरू हुई। अब फिलिंग होते होते लास्ट में जो फिलिंग वाला पार्ट आता है वेंट्रिकल डायस्टॉल का, लास्ट जो रिमेनिंग 20% पार्ट होता है वहां पर एट्रियम कॉन्ट्रेक्शन भी साथ साथ शुरू हो जाता है। तो वो एट्रियम कॉन्ट्रेक्शन भी यहाँ पर साथ साथ जो है वो शुरू हो जाता है और वो प्रेशर के साथ जो है ब्लड को अंदर डालता है वेंट्रिकल के अंदर, जिससे कि वेंट्रिकल की मसल्स थोड़ा सा स्ट्रेच होती है, उन पर स्ट्रेच आता है। तो प्रेशर थोड़ा सा वेंट्रिकल का भी जो है यहाँ पर एट्रियम के साथ साथ बढ़ गया है। फिर जैसे ही वेंट्रिकल फिलिंग कंप्लीट हुई, वेंट्रिकल डायस्टॉल कंप्लीट हुआ, ये वेंट्रिकल डायस्टॉल कंप्लीट हुआ, तो वेंट्रिकल डायस्टॉल कंप्लीट होते ही वापस से क्या आता है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन, यानी कि वेंट्रिकल सिस्टॉल का पहला पार्ट। और वेंट्रिकल सिस्टॉल का जो पहला पार्ट आता है उस टाइम पर क्या होता है कि जो एवी वॉल्व है वो वापस से क्लोज हो जाते हैं
और सेमी लूनर वॉल्व ऑलरेडी क्लोज थे, प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। तो प्रेशर जब बढ़ना शुरू होता है 80 mm तक, जब प्रेशर पहुंच जाता है 80 mm तक, तो जो सेमी लूनर वॉल्व है, एरोटिक या पल्मोनरी वॉल्व है, वो वापस से ओपन हो जाएंगे। इस तरह से ये ग्राफ जो है आगे चलता रहेगा। अब हम बात करते हैं, ये जो ब्लैक वाला ग्राफ यहाँ पर शो किया हुआ है डैश 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 लगा के, ये वाला, ये ब्लैक वाला जो ग्राफ है, ये ब्लैक वाला ग्राफ है बेसिकली एट्रियम प्रेशर से रिलेटेड। एट्रियम जो है, एट्रियम में भी अपन स्पेसिफिकली मान लो लेफ्ट या राइट, कोई सा भी मान लो, अभी हम जो बात कर रहे हैं लेफ्ट एट्रियम के बारे में बात कर रहे हैं। तो एट्रियम जो है, एट्रियम में हमने बात की थी कि जिस टाइम पर वेंट्रिकल का सिस्टॉल चल रहा होता है, उस टाइम पर एट्रियम में डायस्टॉल चल रहा होता है, और एट्रियम का डायस्टॉल जो है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। एट्रियम का सिस्टॉल सिर्फ इतना सा पार्ट है जो एट्रियम का सिस्टॉल है, और ये एट्रियम का सिस्टॉल कब आता है, वेंट्रिकल के डायस्टॉल के लास्ट वाले पार्ट में आता है एट्रियम का सिस्टॉल। वो एक सर्कल बना के डायग्राम मैंने समझाया था, सबसे मेन डायग्राम वही है जो सर्कल बना के हमने कल समझा था, सबसे मेन पार्ट वही है कार्डियक साइकिल का, और ये सारे ग्राफ उसी पर बेस्ड हैं। वो वाला ग्राफ जो वो सर्कल वाला डायग्राम था ना, वो सर्कल वाला डायग्राम मेरे दिमाग में है, तो इसीलिए मुझे ये वाले ग्राफ आराम से समझ में आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं ये वाला ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है यहाँ पर, ये वाला ग्राफ है एरोटा हमने कल बनाई थी, जो कि सिस्टेमिक सर्किट से रिलेटेड है। बॉडी बॉडी में पूरा का पूरा जो ब्लड सप्लाई करवाया जाता है वो एरोटा के द्वारा करवाया जाता है, और हमारा जो प्रेशर है बेसिकली, हमारा जो ब्लड वेसल्स वगैरह का जो हम प्रेशर जो हम नापते हैं ब्लड प्रेशर, वो बेसिकली किसका होता है, आर्टरीज का प्रेशर होता है, एरोटिक प्रेशर होता है वो। तो एरोटा जो है उसका प्रेशर देखो यहाँ पर मिनिमम कितना आ रहा है 80, मैक्सिमम कितना आ रहा है 120। तो ये 80 फिर वेंट्रिकल सिस्टॉल के टाइम पर 120 तक पहुंच गया, फिर वेंट्रिकल डायस्टॉल के टाइम पर वापस 80 के आसपास आ गया, फिर वेंट्रिकल सिस्टॉल के टाइम पर वापस 120 पहुंच गया। तो इस तरह से ये 80-120 तक पहुंच रहा है। अच्छा, ये मिनिमम जैसे ही 80 तक आया, उसी टाइम पर क्या हुआ कि सेमिल्यूनर वॉल्व जो है वो ओपन हो गए, और वापस से प्रेशर जनरेट किया गया वेंट्रिकल के द्वारा, वापस से उसको 120 तक पहुंचा दिया, फिर वापस से धीरे धीरे 80 तक आया। जैसे ही 80 तक आया, वेंट्रिकल सिस्टॉल में जो है इजेकुलेशन वाला टाइम शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से इनकी टाइमिंग जो है वो बैलेंस्ड है, यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अब जैसे जैसे वॉल्व क्लोज होते हैं, तो जैसे यहाँ पर एवी वॉल्व क्लोज हुआ तो यहाँ पर एक लब साउंड आया, फिर यहाँ पर जो है सेमी लूनर वॉल्व क्लोज हुआ तो यहाँ पर भी एक साउंड आएगा, डब साउंड, फिर वापस से यहाँ पर वॉल्व क्लोज हुआ तो यहाँ पर वापस से साउंड आएगा। तो ये साउंड जो है लब डब साउंड इन एवी वॉल्व या सेमी लूनर वॉल्व के क्लोज होने के टाइम पर आते हैं। फिर एक ग्राफ यहाँ पर शो किया हुआ नीचे वाला, ये ग्राफ है वॉल्यूम का, और वॉल्यूम है यहाँ पर मिलीलीटर में, 50 ml से 130 ml। ये वेंट्रिकल जो है लेफ्ट वाला, उस लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में जिस टाइम पर डायस्टॉल चल रहा होता है तो ब्लड फिल होता है, तो ब्लड जो है वो 130 ml तक आ गया। फिर जब सिस्टॉल चलता है तो वो ब्लड वापस से इजेकुलेट होता है, यानी कि बाहर निकाला जाता है, तो ये ब्लड बाहर निकल रहा है तो वॉल्यूम कम हो गया ब्लड का। फिर वापस से डायस्टॉल हुआ तो ब्लड जो है वापस से बढ़ना शुरू हुआ। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट तो है जो वेंट्रिकुलर फिलिंग का फर्स्ट वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट जो है पैसिव फिलिंग, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट है बेसिकली जिस टाइम पर एट्रियम का सिस्टॉल चल रहा होता है और वेंट्रिकल डायस्टॉल का लास्ट पार्ट होता है, तो ये फोर्सफुली यहाँ पर फिल किया जाता है इसको। तो ये पूरा फिल हो गया, फिल होता ही वापस से फिर वही ब्लड को खाली किया जा रहा है, मतलब ये ब्लड भरा गया डायस्टॉल के टाइम पर, सिस्टॉल के टाइम पर खाली किया, फिर डायस्टॉल के टाइम पर भरा, फिर सिस्टॉल के टाइम पर खाली कर दिया। अब इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ECG जो है उसको शो किया है, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग जो है, हेल्दी ह्यूमन बींग, उसके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को मैंने शो किया है। और वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो बेसिकली लेफ्ट वाला साइड जो है हमारे हार्ट का, उससे रिलेटेड यहाँ पर इसको शो किया गया है। तो कौन कौन से पार्ट से रिलेटेड कौन कौन सी वेव है उसको यहाँ पर शो किया हुआ है। तो ये जो पी वेव है, ये पी वेव जो है यहाँ पर, ये वाला पार्ट, ये पी वेव जो है, ये पी वेव बेसिकली वेंट्रिकुलर, अगर मैं बात करूँ वेंट्रिकुलर डायस्टॉल का एंड वाला पार्ट है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि एट्रियम जो है,
एट्रियम की कॉन्ट्रेक्शन का पार्ट है, एट्रियम सिस्टोल का पार्ट है। तो पी वेव किससे रिलेटेड है, ये चीज़ें डायरेक्ट पूछी गई है, पी वेव किससे रिलेटेड है, तो नीचे लिख लेना पी वेव इक्वल्स टू करके आगे लिख देना रिलेटेड टू एट्रियम सिस्टोल या एट्रियम कॉन्ट्रेक्शन। फिर मैं बात करता हूँ कि अब यहाँ पर एट्रियम जो है वो फिल होना पूरा जो है वो अब प्रेशर से वेंट्रिकल को फिल किया जा रहा है, एट्रियम प्रेशर लगा रहा है। फिर यहाँ पर आता है ये क्यू वाला पार्ट, ये क्यू वेव जो है या क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है पूरा पूरा, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है ये वेंट्रिकल सिस्टोल से रिलेटेड है। टी वेव जो है ये टी वेव यहाँ से आगे तक जो जा रही है पूरी, ये टी वेव यहाँ से लेकर और पूरा ये यहाँ तक का पार्ट ये रिलेटेड है बेसिकली वेंट्रिकल डायस्टोल से रिलेटेड है। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे हैं अब तक मैं वो बता रहा हूँ, पी एट्रियम कॉन्ट्रेक्शन, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल सिस्टोल या वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन, टी वेव जो है वेंट्रिकल डायस्टोल से रिलेटेड है, टी वेव यहाँ से पूरी यहाँ तक चल रही है। फिर वापस से यहाँ पर आ गई पी वेव, तो वापस से वही एट्रियम कॉन्ट्रेक्शन वाला पार्ट जो है वो आ गया है यहाँ पर। तो इस तरह से पी क्यू आर एस टी, फिर पी क्यू आर एस टी, फिर पी क्यू आर एस टी, इस तरह से जो ये वेव जो है ये आगे से आगे चलती रहेंगी। बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं डेप्थ में, लेकिन हमें डेप्थ में नहीं जाना है ज़्यादा, अपन सिर्फ बेसिक अगर क्वेश्चन आए तो कर देना, बहुत ज़्यादा डेप्थ में आए तो छोड़ देना, क्योंकि हो सकता है कुछ एक या दो क्वेश्चन पूरी पूरी वो मेडिकल फिजियोलॉजी जो है एमबीबीएस वाली उस पर बेस्ड आ जाए, तो इतना डेप्थ में हमें नहीं जाना है, हमें बेसिक जो है वही तैयार करना है। अगर छः क्वेश्चन आते हैं सी पार्ट में तो मैं ये मान के चलता हूँ कि छः में से चार क्वेश्चन डेफिनेटली आराम से कम चार बता रहा हूँ, कई बार तो छः के छः हो जाते हैं, कम से कम चार क्वेश्चन डायरेक्ट हमें नोट्स में से मिल जाएंगे, जो लेक्चर सुनकर तुम नोट्स बनाने वाले हो उनमें से, और कोशिश करना खुद के नोट्स बनाओ साथ साथ सुनते हुए, क्योंकि खुद की राइटिंग में लिखा हुआ और पढ़ा हुआ बहुत ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं इसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से रिलेटेड जो बाकी बातें हैं उसके बारे में। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं वेंट्रिकल जो है, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन के बारे में। अभी अपन ने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो था उसके बारे में बात करी थी, पेसमेकर जो था उसके बारे में बात करी थी, और अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन से रिलेटेड अब अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट है वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन या मैं कह सकता हूँ वेंट्रिकल का जो सिस्टॉल है उसके दौरान एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होती है, कितनी देर तक रहती है, और कौन कौन से आयन चैनल्स हैं वो उस एक्शन पोटेंशियल को मेंटेन करवाते हैं। तो वेंट्रिकल सिस्टॉल जो है वो, उसके लिए हमने यहाँ पर दो ग्राफ प्रिपेयर किए हैं वेंट्रिकल सिस्टॉल से रिलेटेड या वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन जो है उससे रिलेटेड। तो वेंट्रिकल सिस्टॉल जो है वो 0.3 सेकंड तक रहता है, तो हमने यहाँ पर 0 से लेकर 0.3 सेकंड तक यहाँ पर टाइम डाला है एक्स एक्सिस पर। ऊपर वाला ग्राफ जो है ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल को शो कर रहा है, जो वेंट्रिकल की मसल्स हैं उनमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल को शो कर रहा है। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल तक पहुँची, और फिर एक्शन पोटेंशियल जो है वो मेंटेन है लगभग 0.3 सेकंड तक, और उसके बाद वापस से वो रेस्टिंग पोटेंशियल पर आ गई है मेम्ब्रेन जो है वापस। अब हम बात करते हैं कि ये जो 0.3 सेकंड तक मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन किया गया था या जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट की गई, उस दौरान कौन कौन से आयन चैनल्स जो हैं वो काम में लिए जाते हैं। तो तीन तरह के आयन चैनल्स काम आते हैं यहाँ पर, सोडियम आयन चैनल्स, पोटेशियम आयन चैनल्स और कैल्शियम आयन चैनल्स। सबसे पहले मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट करवाता है यहाँ पर सोडियम आयन चैनल्स, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाया जाता है सोडियम आयन चैनल्स के द्वारा, और जैसे ही सोडियम आयन चैनल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाते हैं तो उस एक्शन पोटेंशियल पर पहुंचते ही वो खुद जो है क्लोज हो जाते हैं, मतलब डीपोलराइज करवा देते हैं सोडियम आयन चैनल्स, और डीपोलराइजेशन होते ही वो ब्लॉक हो जाते हैं, और उस कंडीशन में कैल्शियम आयन चैनल उस एक्शन पोटेंशियल वाली वोल्टेज को सेंस करके ओपन हो जाते हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स।
और वो कैल्शियम आयन चैनल्स का एक सीधा सा रूल होता है कि धीरे धीरे ओपन होते हैं, धीरे धीरे क्लोज होते हैं। तो कैल्शियम आयन चैनल जैसे ही उस एक्शन पोटेंशियल तक पहुंचाते हैं तो वो ओपन हो गए और वो कैल्शियम आयन चैनल जो है वो एक्शन पोटेंशियल को मेंटेन रखते हैं 0.3 सेकेंड तक। अब कैसे? तो सबसे पहले यहाँ पर ये तीन ग्राफ हैं, एक तो ये ब्लैक ग्राफ है, एक ये रेड वाला ग्राफ है कैल्शियम आयन के लिए, और एक डैश डैश लाइन में जो ग्राफ है ये पोटेशियम आयन के लिए। तो सबसे पहले जो ऊपर जा रहा है ग्राफ वो है सोडियम आयन चैनल का, यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट कौन करवाता है? सोडियम आयन चैनल्स। सोडियम आयन चैनल्स का वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स होते हैं बेसिकली, या वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स ओपन होते ही ये क्या करेंगे? मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करवा देंगे, मतलब प्लस चार्ज की तरफ ले जाएंगे, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को पॉजिटिव करवा देंगे। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते ही क्या होगा कि पोटेशियम आयन चैनल जो है वोल्टेज गेटेड वो ओपन हो जाते हैं वापस से रेस्टिंग पोटेंशियल लाने के लिए। तो अब जैसे ये पोटेशियम आयन चैनल तो क्या करेंगे, रेस्टिंग पोटेंशियल को लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसी दौरान क्या हुआ कि कैल्शियम आयन चैनल जो है उनकी परमिएबिलिटी बढ़ गई, और कैल्शियम आयन चैनल की परमिएबिलिटी बढ़ने का मतलब वो खुल गए कैल्शियम आयन्स, और कैल्शियम आयन की जो है रैपिड स्पाइक हुआ अंदर, तो वो जो वापस से मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज या पोलराइजेशन की तरफ जा रही थी या रेस्टिंग पोटेंशियल की तरफ जा रही थी वो रुक जाएगी। क्यों? सोडियम तो कम हो गया लेकिन कैल्शियम तो बढ़ गया, और कैल्शियम भी पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, इनसाइड पॉजिटिव बना देगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, यानी कि एक्शन पोटेंशियल की तरफ उसको मेंटेन करके रख रहा है। कैल्शियम आयन की परमिएबिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है, तो ये कंसंट्रेशन मेंटेन्ड है इनकी। इस दौरान जो पोटेशियम आयन चैनल ओपन हुए थे मेम्ब्रेन के पॉजिटिव चार्ज पर आने के कारण, कैल्शियम ने वापस से पॉजिटिव चार्ज मेंटेन कर दिया, तो वो कैल्शियम आयन चैनल वापस से क्लोज हो जाते हैं। अब जैसे ही कैल्शियम आयन चैनल जो है उनकी परमेबिलिटी कम होना शुरू होती है, यानी कि कैल्शियम आयन चैनल बंद होना शुरू होते हैं, तो जैसे ही कैल्शियम आयन चैनल बंद होना शुरू होंगे तो पोटेशियम आयन चैनल वापस से खुल जाएंगे, और ये पोटेशियम आयन चैनल क्या करेंगे, मेम्ब्रेन को वापस से रेस्टिंग पोटेंशियल की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर रेस्टिंग पोटेंशियल्स जो है उसको लाने के लिए जितने ज़रूरी है उससे थोड़े ज़्यादा पोटेशियम आयन चैनल अंदर आ गए, इसका मतलब मेम्ब्रेन जो है वो एक बार किस में चली जाती है, हाइपर पोलराइजेशन स्टेट की तरफ, और फिर ओपन पोटेशियम चैनल जो होते हैं वो इसको वापस से मेंटेन करवाते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल में। तो वापस से ये कहाँ पर आ गई, जहाँ पर थी पहले वहीं पर आ गई है ये पोटेशियम आयन वाली वेव। तो इस तरह से कॉन्ट्रेक्शन की वेव जो है वेंट्रिकल के अंदर जनरेट होती है, और कौन कौन से चैनल काम में आते हैं, तो सबसे पहले काम में आता है सोडियम आयन चैनल, फिर उसको मेंटेन करता है कैल्शियम आयन चैनल, और वापस से रेस्टिंग पोटेंशियल पर लेकर आता है पोटेशियम आयन चैनल। अब नेक्स्ट एक छोटा सा सवाल आता है कई बार, बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स क्या है? तो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, सबसे पहले तो बैरोरिसेप्टर्स, बैरो का मतलब प्रेशर, तो बैरोरिसेप्टर या जो प्रेशर के लिए रिसेप्टर है ये कैरोटिड आर्टरीज हमने बनाई थी, ये राइट एरोटिक आर्च थी, एरोटा थी, एरोटा पर हमने ऊपर की तरफ एंटीरियर पार्ट की तरफ ब्लड ले जाने के लिए कैरोटिड आर्टरीज बनाई थी, तो कैरोटिड साइनस प्रेजेंट होता है यहाँ पर, और ये कैरोटिड साइनस जो है वहाँ पर प्रेजेंट होता है बैरो रिसेप्टर्स। ये बैरो रिसेप्टर जो है, ये बैरो रिसेप्टर ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा होने पर यहाँ पर क्या होता है, मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स इनके साथ लिंक होते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन जो है वो बैरोरिसेप्टर के साथ लिंक्ड है, और वो सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगे, ब्रेन को इन्फॉर्मेशन ले जाकर देंगे, और ब्रेन जो है मोटर न्यूरॉन मोस्टली यहाँ पर काम आती है वेगस, तो वो जो वेगस नर्व है मोटर न्यूरॉन जो है उसके द्वारा वापस से इन्फॉर्मेशन भेज आउटपुट भेजता है, और उस आउटपुट के अकॉर्डिंग जो है मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाया जाता है। तो ये बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स बेसिकली क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर कम होने पर तो क्या करता है, ये सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम वाले जो सिग्नल है उनको प्रमोट करवाया जाता है ब्रेन के द्वारा, और अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पैरा सिंपैथेटिक जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसका सिग्नलिंग जो है वो भेजा जाता है, यानी कि जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन सिक्रीशन करवाया जाएगा, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो एसिटाइल कोलिन सिक्रीशन करवाया जाएगा, जिससे कि ब्लड प्रेशर जो है उसको मेंटेन किया जा सके। तो ये है बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, मतलब बैरोरिसेप्टर्स के द्वारा इंफॉर्मेशन ब्रेन को भेजा जाना और ब्रेन के द्वारा आउटपुट भेजना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पेथेटिक
और सिंपैथेटिक जो न्यूरॉन्स हैं वो ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग जो हार्ट रेट है उसको कम या ज़्यादा करवा के कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करते हैं। यहाँ पर ग्राफ में हमने क्या लिखा है, वाई एक्सिस पर लिखा है बैरो रिसेप्टर फायरिंग रेट। जब ब्लड का प्रेशर 40 के आसपास या उससे कम होना शुरू हो जाता है, तो 40 तक जब पहुंचना शुरू हो जाता है ब्लड का प्रेशर, मान लो 40 mm एक्स एक्सिस पर लिखा है ब्लड प्रेशर, जो कैरोटिड साइनस है इस कैरोटिड साइनस में ब्लड का प्रेशर 40 mm, 80 and 120 mm ऑफ HG। तो 40 जब ब्लड प्रेशर है mm ऑफ HG तो ये स्टार्ट हो जाते हैं इनके सिग्नल जाना और ये क्या करते हैं बढ़ाना शुरू करते हैं, मतलब पॉजिटिव सिग्नल जो है ब्रेन भेजना शुरू करता है। लेकिन जैसे जैसे ब्लड का प्रेशर पहुंच जाता है 120 mm ऑफ HG पर, तो सभी बैरो रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, ब्रेन तक सिग्नल जाता है, ब्रेन जो है वो पैरासिम्पथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजता है और वो पैरासिम्पथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो उसकी जो न्यूरॉन्स हैं वो एसिटाइलकोलिन रिलीज करवाते हैं और वो एसिटाइलकोलिन क्या करता है हार्ट रेट को डिक्रीज करवाता है। जब ये कम हो जाता है तो हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए एसिटाइलकोलिन एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन सिक्रेट करवाया जाएगा, जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो एसिटाइलकोलिन सिक्रेट करवाया जाएगा। तो इससे ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया जाएगा, इससे ज़्यादा कम 40 से ज़्यादा कम नहीं होने दिया जाएगा प्रेशर को और 120 से ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया जाएगा। 120 से ज़्यादा बढ़ गया तो इनहिबिटरी सिग्नल भेजकर इसको रोक दिया, 40 से कम होना शुरू हुआ तो पॉजिटिव सिग्नल भेजकर उसको बढ़ाना शुरू कर दिया, तो ये कहलाता है बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालना स्टारलिंग्स लॉ। ये स्टारलिंग्स लॉ जो है इसके बारे में अब हम बात करते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, इसका जवाब हमें पता लग जाएगा जब हम स्टारलिंग लॉ के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज इन लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में एंड डायस्टोलिक जो वॉल्यूम है वो अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का जवाब अपन बाद में बात करेंगे। पहले अपन बात करते हैं स्टारलिंग्स लॉ जो है, स्टारलिंग्स लॉ के बारे में। ये स्टारलिंग लॉ जो है ये क्या बता रहा है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो ये स्टारलिंग लॉ बेसिकली ये बता रहा है कि जो ब्लड है हमारा हार्ट से निकला, अरोटा से और पतली पतली ब्रांचेज हैं जिनको हम क्या कहते हैं आर्टरी। अच्छा एक चीज़ है मैं पहले यहाँ पर बता दूँ, आर्टरी और वेन में डिफरेंस मेरे ख्याल से सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। आर्टरी उसे कहते हैं जो हार्ट से ब्लड बाहर लेकर जाती है, मतलब कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट, वो होती है आर्टरी, चाहे उसमें प्योर ब्लड हो चाहे उसमें इम्प्योर ब्लड हो, अगर हार्ट से बाहर ब्लड को लेकर जा रही है तो वो क्या होगी आर्टरी। वेन क्या होगी, कैरी ब्लड टू हार्ट, हार्ट में ब्लड को लेकर आने वाली ब्लड वेसल्स क्या कहलाती हैं वेन्स, हार्ट में लाने वाली वेन्स, लेकर जाने वाली आर्टरी। और इसीलिए जो पल्मोनरी आर्टरी है, क्योंकि अगर मैं प्योर या इम्प्योर ब्लड के आधार पर नाम देता तो फिर मुझे क्या करना पड़ता कि जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आर्टरी है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है। अगर मैं ये कहता कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आर्टरी में भरा होता है, लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि आर्टरी वो है जो हार्ट से ब्लड को लेकर जाती है, तो इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि हमेशा हार्ट से बाहर ब्लड को लेकर जाने वाली क्या कहलाती है आर्टरी, और मोस्ट ऑफ आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा हुआ होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्यों, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी लेकर कहाँ जाती है लंग्स में, और लंग्स का काम क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करना। एक और चीज़ है जो आर्टरी और वेन के बारे में हमें पता होनी चाहिए, वो ये कि ज़्यादा प्रेशर कौन सहन करता है आर्टरी या वेन, तो जो पंप जिसके साथ लगा हुआ है वो सहन करेगा तो आर्टरी, क्योंकि आर्टरी में हार्ट पंप करके ब्लड भेजता है, तो ज़्यादा प्रेशर कौन टॉलरेट करता है आर्टरीज। और वेन कहाँ से ब्लड लेके आती है टिश्यूज़ में से, तो वेन में ब्लड का प्रेशर क्या होता है कम। एक और सवाल कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनके चारों तरफ जो मसल्स की लेयर है या जो कनेक्टिव टिश्यूज़ की लेयर है वो ज़्यादा थिक लेयर क्यों किस में होगी, आर्टरीज में या वेन में,
इसका जवाब भी कॉमन सेंस से अपन दे सकते हैं। जो ज़्यादा प्रेशर टॉलरेट करती है उसकी चारों तरफ की वॉल कैसी होनी चाहिए, मोटी। तो आर्टरीज के चारों तरफ थिक वॉल प्रेजेंट होती है, वेन में थिन वॉल। एक और सवाल लास्ट कि वन वे वॉल्व, एक दिशीय कपाट किस में होने चाहिए, आर्टरी में या वेन में। तो खुद सोच के देखो, एक तो पाइप है, उस पाइप में मैं पीछे से फूंक मार के पानी भेज रहा हूँ, तो क्या उस पानी के वापस पीछे आने के चांस हैं। या फिर मैंने मोटर लगा दी है, उस मोटर से मैं पानी आगे फेंक रहा हूँ, तो क्या पानी के पीछे आने के चांस है, नहीं है। दूसरी तरफ मैंने एक पाइप में पानी डाल दिया और एक तरफ से मैं उस पानी को भरता जा रहा हूँ, दूसरी तरफ से पानी बाहर निकलता जा रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई मोटर नहीं लगी हुई है, तो उस कंडीशन में थोड़ी सी भी ढलान आई या चढ़ान आई तो फिर पानी का बैक फ्लो हो सकता है। तो वही चीज़ आर्टरी वेन पर लागू होगी। आर्टरी तो हार्ट से ब्लड को लेकर जाती है, तो हार्ट तो पंप है, तो आर्टरी में तो ज़्यादा तेज़ बहता है, हाई प्रेशर से बहता है ब्लड, तो बैक फ्लो के चांस नहीं है, इसलिए आर्टरीज में वन वे वॉल्व की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वेन्स में, हाँ वेन में होती है, क्योंकि वेन में ब्लड का फ्लो क्या होता है, स्लो, और प्रेशर होता है कम, तो वापस से बैक फ्लो होने का चांस है, बैक फ्लो होने का चांस है, इसलिए वन वे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं वेन्स के अंदर। तो ये आर्टरी और वेन में डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं स्टार्लिंग लॉ। स्टार्लिंग लॉ जो है वो ब्लड के प्रेशर से रिलेटेड है बेसिकली। अब ये प्रेशर कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करता हूँ। दो प्रेशर है, एक तो ब्लड प्रेशर जिसको कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, ब्लड का जो हार्ट जनरेट कर रहा है बेसिकली, पंप किया जा रहा है उसको। एक होता है कोलोइडल प्रेशर। कोलोइडल प्रेशर जो होता है, सीपी कोलोइडल प्रेशर, ये कोलोइडल प्रेशर होता है ब्लड में जो प्रोटीन्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ऑस्मो एक्टिव सब्सटेंस हैं, उनके कारण जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो है कोलोइडल प्रेशर। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उन ऑस्मो एक्टिव सब्सटेंस के कारण, प्रोटीन्स के कारण, न्यूट्रिएंट्स के कारण या आयंस के कारण, वो है कोलोइडल प्रेशर। कोलोइडल प्रेशर तो क्या करेगा, अंदर खींचेगा फ्लूड को, पानी को, और ब्लड प्रेशर क्या करेगा, बाहर धकेलना चाहेगा। तो ब्लड प्रेशर बाहर की तरफ धक्का मार रहा है तो पॉजिटिव प्रेशर हुआ, और कोलोइडल प्रेशर अंदर खींच रहा है तो नेगेटिव प्रेशर हुआ। अब हम बात करते हैं, आर्टरी से ब्लड आता है, आर्टरी से और पतली कैपिलरी होती है आर्टरियोल, आर्टरियोल से पतली होती है कैपिलरी, फिर ये कैपिलरीज जो है यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है, ये टिश्यूज में जाल फैला हुआ होता है कैपिलरीज का, फिर ये वापस से ब्लड इकट्ठा करती हैं, वेन्यूल बनाती हैं, फिर वेन्यूल्स मिलकर वेन बनाती हैं, फिर वेन मिलकर वेना कावा बनाती है। तो इस तरह से जो है ये ब्लड जो है ये आगे पहुंच रहा है। अब मैं बात करता हूं, जब आर्टरी साइड से ब्लड आया तो वो हार्ट से आ रहा है, तो उसका प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। तो उसका प्रेशर होता है अप्रॉक्स, जब हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन रेस्ट है, अपन बैठे हैं, तो 40 mm ऑफ Hg उसका प्रेशर होता है। और कोलोइडल प्रेशर जो है दोनों कंडीशन में -25 लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि ये जो सॉल्यूट्स हैं उनके कारण है, तो कोलोइडल प्रेशर -25। अब कोलोइडल प्रेशर अंदर खींचने वाला, ब्लड प्रेशर बाहर धकेलने वाला, और कैपिलरी जो है ये बहुत पतली पतली होती हैं, इनके चारों तरफ मस्कुलर लेयर भी नहीं होती है, तो ये परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है इनकी, कैपिलरीज की। तो फ्लूड जो है, कुछ फ्लूड कैपिलरी वाले रीजन से बाहर निकल जाता है। आगे हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे कि गैसियस एक्सचेंज जो है वो भी यहीं पर कैपिलरी बेड वाले रीजन पर होता है। तो ब्लड प्रेशर है 40, कोलोइडल प्रेशर है 25, तो बाहर धकेलने वाला 40, अंदर खींचने वाला 25, तो ज़्यादा कौन सा है, बाहर धकेलने वाला +15। तो कुछ फ्लूड जो है वो इस जगह पर, कुछ फ्लूड जो है वो बाहर आ जाएगा, कुछ जो फ्लूड है वो बाहर आ जाएगा। अब मैं बात करूँ, जैसे ही ये आगे की तरफ बढ़ता है तो अब थोड़ा मामला उल्टा हो गया, वेन्यूल वाले एंड की तरफ, वेन वाले एंड की तरफ, कि ब्लड प्रेशर हो गया कम क्योंकि कुछ फ्लूड निकल गया बाहर, तो ब्लड प्रेशर कितना हो गया 15, लेकिन कोलोइडल प्रेशर उतना ही है, तो अब ज़्यादा कौन हो गया, कोलोइडल प्रेशर -10, तो ये क्या करेगा, वापस से अंदर खींचेगा, तो ये वापस से अंदर खींचेगा। बाहर निकलने वाला एरो मैंने मोटा बनाया है, अंदर जाने वाला एरो मैंने पतला बनाया है, क्यों, क्योंकि बाहर निकालने वाला फोर्स है +15, अंदर डालने वाला फोर्स है -10, तो जितना फ्लूड बाहर निकला उतना फ्लूड वापस अंदर नहीं जाएगा,
और इसी कारण कुछ फ्लूड बाहर रह जाता है जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूड या लिम्फ का निर्माण करता है, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा वापस से ब्लड में भेज दिया जाता है। ये हमने इम्यूनोलॉजी में बात की थी। तो ये है स्टार्लिंग लॉ, जो कि ब्लड प्रेशर और कोलोइडल प्रेशर जो है उसके बारे में बात करता है यहाँ पर। अब एक कंडीशन, जब एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो जब हैवी एक्सरसाइज की जाती है, हैवी एक्सरसाइज जब हम करते हैं उस टाइम पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पर प्रेशर जो है ब्लड का वो हो जाता है 60 के आसपास, और वापस जब ये निकल के आएगा तो यहाँ पर प्रेशर हो जाता है 30 के आसपास ब्लड का। तो इस कंडीशन में 60-25 अगर मैं करता हूँ तो 35 प्लस में आएगा, यहाँ पर अगर मैं 30-25 करता हूँ तो प्लस में 5 आएगा, मतलब वापस से वो जो फ्लूड है वो अंदर नहीं जा रहा। हैवी एक्सरसाइज वाले टाइम पर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो उस वापस फ्लूड को अंदर लेने के लिए क्या करेंगे? तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उस टाइम पर जो है ब्लड की पीएच में चेंज होता है, साथ साथ CO2 की अमाउंट बढ़ जाती है क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन चलना शुरू हो जाता है मसल्स में। तो उस कंडीशन में CO2 बढ़ जाती है। CO2 जो है वो बाइकार्बोनेट बनाती है। बाइकार्बोनेट ऑस्मो एक्टिव सब्सटेंस होता है जो कि कोलोइडल प्रेशर को बढ़ा देता है, और वो कोलोइडल प्रेशर जो बढ़ता है बाइकार्बोनेट के कारण वो वापस से उस फ्लूड को अंदर ले लेता है, वो वापस से उस फ्लूड को अंदर ले लेता है। इस तरह से ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट किया जाता है। एक डिजीज है एडिमा, EDIMA, एडिमा। एडिमा में क्या होता है कि ब्लड में प्रोटीन्स वगैरह की कुछ कमी हो जाती है, और उन प्रोटीन की कमी होने से क्या होता है कि कोलोइडल प्रेशर कम हो जाएगा, और कोलोइडल प्रेशर कम हो जाएगा तो जितना फ्लूड बाहर आता है उतना फ्लूड वापस अंदर नहीं जाएगा, जिससे कि एक्स्ट्रा अमाउंट में फ्लूड जो है बाहर पड़ा रहता है जो कि स्वेलिंग कॉज करता है, पेन कॉज करता है। ठीक है, तो एडिमा में ये होता है, कोलोइडल प्रेशर कम हो गया। क्यों? प्रोटीन्स की कमी होगी, प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी, इस कारण से ऐसा हुआ।